प्रदीप नरवाल। तमाम साथियों को जय भीम। आज जो क्रांतिकारी इस्तेमाल कर रहा इस मंच से, बाद में छोटी रकुमा भी बोलने के लिए मेरे बाद दिनेश भाई भी आए हैं गुजरात से। साथियों, 9 मई को सहारनपुर की घटना हुई थी, उसी सिलसिले में 8 जून को शादी चंद्रशेखर आजाद को जेल हुई थी। आप यह बताइए, शब्बीपुर गांव में दलितों घर जलाए गए, उसके बाद जब वहां भीम आर्मी ने शादी चंद्रशेखर ने कहा कि हम दलितों के न्याय के लिए लड़ेंगे, उसके बाद उन्हीं को जेल में डाल दिया गया, दलितों को जेल में डाल दिया गया। और यह इतिहास युग की यह पहली घटना नहीं है, बार बार इतिहास में हमेशा दलितों को मारा जाता है और उसके बाद उनको जेल में डाल दिया जाता है। 1 नवंबर को शरद चंद्रशेखर को बेल मिलती है हाईकोर्ट से और 2 नवंबर को कोर्ट रुपए रासुका लगा देती है। मैं पूछता हूं कि चंद्रशेखर आजाद, इस देश में राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है, आरएसएस के लिए खतरा, पूछ रहे आप सबसे, शरद चंद्रशेखर आजाद राष्ट्रीय सुरक्षा को नहीं, इस बीजेपी के फांसी वाले एजेंडे को खतरा है। और साथियों, आज ये देश किस दौर में खड़ा देख लीजिए, अखलाक को दादी मार दिया गया, जुनेद को चलती पैर मार दिया गया, जब गवाही की बात आती है तो कोई मुंह खोलने को तैयार नहीं। सवाल यह है कि लंबे हो चुके लोकतंत्र, हमारे सामने सवाल है क्यों आवाज नहीं उठाते हैं। आज देखिए, ना दलितों मुसलमानों को लड़ने की जरूरत है, ना मुसलमानों को दलितों के लिए, एक दूसरे की लड़ाई ईमानदारी से लड़िए। दो आंसू है, एक दलितों का एक मुसलमानों का। आज अगर आंसू साथ नहीं आया तो याद रखिए, समाज में वो दिन दूर नहीं जब संविधान के किताबों में रह जाएगा। आज एक तरफ संघ के लोग हैं जो इस समाज में मनुस्मृति लगाना चाहते हैं, एक तरफ नए पसंद लोग हैं जो इस समाज में संविधान लगाना चाहते हैं। और आज तमाम नए पसंद लोगों को एक बात बोलनी पड़ेगी मोदी जी को, कि मोदी जी, ये समाज संविधान से चलेगा, मनुस्मृति से नहीं चलेगा। और 2000 सालों से ये 2000 सालों गुलामी है, 70 साल की आजादी हो, आज कुछ लोग बोलते हैं आजाद हैं, लेकिन कहां वो आजादी है बता दीजिए। अगर हम सही में आजाद होते तो शब्बीरपुर नहीं होता, हम सही में आजाद होते मिर्चपुर नहीं होता, हम सही में आजाद होते लक्ष्मणपुर बाटे नहीं होता, और हम सही में आजाद होते हैं तो ऊना नहीं होता। आज जिग्नेश मेवानी यहां बैठे हैं वडगाम सीट पर अंबिका कैंपेन करने के लिए। आज कुछ लोग कहेंगे कि जिग्नेश मेवानी एक विधायक है, हमारे जिग्नेश मेवानी विधायक नहीं, एक आंदोलन हमारे सामने बैठा है, क्योंकि ये वो इंसान है जो ऊना की लड़ाई विधानसभा तक लेके गया। ये कुछ लोग करोड़ों रुपए लेके चुनाव लड़ते हैं, अरबों रुपए लेके चुनाव में उतरते हैं, और हमें पता है, नदीम भाई को पता, नकुल को पता है, खालिद भाई को पता है कि जब ये चुनाव में उतरे इनके अकाउंट में 14,000 रुपये थे, 14,000। तो देखिए, ये लड़ाई एक तरफ 40 करोड़ वाले हैं, एक तरफ 14,000 वाले हैं। ये लड़ाई 40 करोड़ 14,000 के बीच की है, एक तरफ गरीब का बेटा खड़ा है, एक तरफ पूंजीपति का बेटा खड़ा है, आपको तय करना लड़ाई जीतेगा कौन। और जितने भी लोग राम के नाम पर मुसलमानों को मार रहे हैं, जितने भी लोग राम के नाम पर दलितों को मार रहे हैं, वो याद रखे रावण जेल से बाहर आने वाला है, रखे कि रावण जेल से आने वाला है। और जब रावण आएगा, ना मुसलमानों को मरने देगा और ना दलितों को मरने देगा। और आज जरूरत समाज में साथी जिग्नेश मेवानी है, साथी चंद्रशेखर है, साथी सुशील गौतम है, यहां मेरठ में सब लोग ये लड़ाई एक साथ एक आवाज में लड़े, क्योंकि तो देखिए, कुछ लोगों की लड़ाई सत्ता की हो सकती है, ये लड़ाई हमारे लिए सत्ता ज्यादा सामाजिक परिवर्तन की है। और वड़गाम इसका उदाहरण है, जब समाज एक साथ आएगा तो राजनीति भी हमारी होगी, सत्ता भी हमारी होगी। क्योंकि जब साथी जिग्नेश वड़गाम चुनाव लड़े थे तो मुझे लगा ये चुनाव नहीं, एक आंदोलन चल रहा है, जहां पर तमाम दलित मुसलमान और तमाम नए पसंद लोग एक साथ आए और अपने समाज के बेटे को विधानसभा तक पहुंचाया। और आज जरूरत है कि उत्तर प्रदेश में तमाम लोग तब तक चुप ना बैठे, तब तक न्याय की लड़ाई लड़ने वाले चंद्रशेखर आजाद इस देश की सरसर में नहीं बैठ जाता।
तब तक वो लड़ाई को बुलंद रखते रहे। और मैं ज्यादा लंबी बात को नहीं रखूंगा, केवल छोटी सी बात करके बात को विराम लगाऊंगा। देखिए, ये लड़ाई गरीब मजदूर, गरीब किसान और हर उस व्यक्ति के जो कि वंचित तबके से आता है। आज किसानों को मिनिमम सपोर्ट प्राइस नहीं दिया जाता है, किसान आत्महत्या कर रहे हैं, दलितों को मारा जा रहा है, मुसलमानों को सड़कों पर जानवरों पर कुचल दिया जाता है। आज दो सारे सौ लाख को मरे हुए, एक तरफ कुछ लोग जो आज कहते हैं कि वो मांस का टुकड़ा गाय थी या मटन था या बीफ था, और एक तरफ वो लोग खड़े हैं जो कहते हैं कि अकलाक इंसान था और इस इंसान को जो इंसान मानिए, एक तरफ वो लोग खड़े जो कहते हैं कि हमने दलित छात्र का उसको मार दिया और उसकी न्याय के मांग की बात करेंगे। तो साथी, अपने राजनीति क्लियर रखिए और इन नेताओं से पूछिए, मेरे से वो सुनिश्चित कीजिए कि मेरठ वो जगह है जहां से आजादी की पहली लड़ाई लड़ी गई थी, जहां से पहला विद्रोह का शुरुआत हुआ था, और आज आपको जरूरत है मेरठ की धरती से इस संघ के खिलाफ विद्रोह की शुरुआत कीजिए, इस संघ के खिलाफ। और साथियों, अपनी बात को मैं केवल विराम लगाऊंगा केवल एक सवाल के साथ। आज ये बात जरूर बोलनी है कि साथी चंद्रशेखर आजाद को रिहा करो, पर उससे अलग एक बात बोलिए कि साथी चंद्रशेखर गिरफ्तार क्यों, यह पहले पूछना पड़ेगा। जिस इंसान को 23 मुकदमे में बेल मिल जाती है उसको फिर भी आप जेल में डाल देते हैं, तो पूछना पड़ेगा सरकार से क्या आपको सीधा ने भरोसा नहीं, क्या आपको माननीय न्यायालय भरोसा नहीं है कि हमें लगता है इनको केवल एक ही बात का भरोसा है, वो मनुस्मृति। और साथियों, डिफीट करना समाज से इस मनुस्मृति को और लागू करना संविधान को। संविधान लागू हुआ, दलित ही बचेंगे, मुसलमान ही बचेंगे, तमाम नए पसंद लोग बचेंगे। और तमाम साथियों, फिर से एक आवाज में एक नारे के साथ अपनी बात खत्म करूंगा, जय 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 भीम, सतीश शेखर को रिहा करो, रिहा करो, रिहा।